यह लड़का इस शहर का सबसे बड़ा जादूगर है। वो एक जगह पर खड़ा होता है और सभी लोगों को चिल्लाकर अपने बारे में बताने लगता है, जिससे धीरे धीरे वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। फिर अपने हाथ में एक कैंडी लेकर उनको दिखाने लगता है और थोड़ी देर बाद उस कैंडी को गायब कर देता है। अब वो अपनी टोपी उतार कर उसमें से कैंडी से भरे जार को निकालता है। इस लड़के के कारनामे को बड़े बड़े रईस लोग भी देख रहे थे। लड़का जार के ढक्कन को खोल देता है, जिससे सभी कैंडीज धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती हैं। इस जादू को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो सभी कैंडीज लड़के के इशारे पर उड़ रही थी। ये लड़का अपनी कैंडीज का प्रचार कर रहा था, फिर उन सभी कैंडियों को बोतल जार में भर लेता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब लड़का कहता है कि कौन खाना चाहेगा इस कैंडी को। तभी एक आदमी कैंडी को खाने के लिए कहता है। इस लड़के के सामने तीन रईस लोग खड़े थे। लड़का उनका स्वागत करता है और उनको कैंडीज खाने के लिए देता है। वो तीनों लोग उस कैंडी को खा लेते हैं। लड़का कहता है कि ये कैंडी कोई आम कैंडी नहीं है, बल्कि ये जादुई फलों से बनाई गई है। और थोड़ी देर बाद वो तीनों लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब उसी कैंडीज का कमाल था। सभी लोग ये सब नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। लड़का उस कैंडीज को सभी लोगों को खाने के लिए देता है। सभी लोग कैंडी खाने के बाद हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी